नाउ एयर नेक्स्ट यूनिट इज एयर कंप्रेसर। तो एयर कंप्रेसर जो है, एयर कंप्रेसर का फंक्शन कौन सा है? एयर कंप्रेसर का फंक्शन है टू कंप्रेस द एयर, एयर को कंप्रेस करना, ये एयर कंप्रेसर का फंक्शन है। तो अपने को कंप्रेसर लगती है, कहाँ पे यूज़ होता है कंप्रेसर वो भी देखेंगे। तो मेन फंक्शन ऑफ द एयर कंप्रेसर इज टू कंप्रेस द एयर टू द रिक्वायर्ड प्रेशर, ठीक है। एयर को कंप्रेस करने के लिए एयर कंप्रेसर यूज़ किया जाता है। तो इसके पहले देखते एप्लीकेशन, एयर कंप्रेसर के एप्लीकेशन, एयर कंप्रेसर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो पहले है एप्लीकेशन ऑफ द एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर यूज है, पहला है फॉर स्प्रे पेंटिंग इन द पेंट इंडस्ट्री। तो कंप्रेसर की ज़रूरत क्या होती है अपने को स्प्रे पेंटिंग में, तो स्प्रे पेंटिंग में अपने को कंप्रेसर की ज़रूरत होती है। तो इन स्प्रे पेंटिंग इन पेंट इंडस्ट्री में कंप्रेस एयर यूज होती है। बाद में ड्राइविंग कंप्रेस एयर इंजन, कंप्रेस एयर इंजन ड्राइव करने के लिए कंप्रेस एयर की ज़रूरत होती है। सेकंड इसका इसकी एप्लीकेशन है ड्राइविंग अ कंप्रेस एयर इन द इंजन। तीसरा है ड्राइविंग न्यूमेटिक टूल, जो न्यूमेटिक टूल्स है उसको ड्राइव करने के लिए कंप्रेस एयर की ज़रूरत होती है। तीसरा एप्लीकेशन का है। चौथा है इंजेक्ट इन द फ्यूल इन द डीजल इंजन, डीजल इंजन में जब फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कंप्रेस एयर की ज़रूरत होती है। तो ये है चौथे इसकी एप्लीकेशन। बाद में फिफ्थ है फॉर बूस्टिंग ऑफ आईसी इंजन, आईसी इंजन में इसका कंप्रेस एयर का यूज़ होता है। बाद में सुपर चार्जिंग एंड टर्बो चार्जिंग, सुपर चार्जिंग में और टर्बो चार्जिंग में, इस सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग में कंप्रेस एयर की ज़रूरत होती है। बाद में है फॉर एयर ब्रेक सिस्टम में, एयर ब्रेक सिस्टम में कंप्रेस एयर की ज़रूरत होती है। टू कूल लार्ज बिल्डिंग, कूल करने के लिए कंप्रेस एयर की ज़रूरत होती है। इन ब्लास्ट फर्नेस में भी इसका यूज़ होता है, और एयर रेफ्रिजरेशन में भी इसका यूज़ होता है, और टर्बोजेट में भी इसका यूज़ होता है कंप्रेस एयर का। तो इसकी एप्लीकेशन हो गई, इसकी एप्लीकेशन हो गई, इसमें से चार पाँच लेकर तो भी चलेगा। तो ये हो गया अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्रेस एयर। तो कंप्रेस एयर कहाँ पर यूज होती है, स्प्रे पेंटिंग में होती है, ड्राइव कंप्रेस एयर इंजन ड्राइव करने के लिए न्यूमेटिक टूल में, डीजल इंजन में, बूस्टिंग ऑफ आईसी इंजन में, सुपर चार्जिंग में, टर्बो चार्जिंग में, एयर ब्रेक सिस्टम में, लार्ज बिल्डिंग को कूल करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में, टर्बोजेट में, और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी इसके एप्लीकेशन है। बाद में इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन एयर कंप्रेसर के क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्किंग, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग इसके क्लासिफिकेशन है। एक है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और दूसरा है रोटरी कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और दूसरा है रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। तो इसके दो टाइप्स है अकॉर्डिंग वर्किंग, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर। दूसरा अकॉर्डिंग नंबर ऑफ द स्टेजेस, नंबर ऑफ द स्टेजेस में इसके टाइप्स है सिंगल स्टेज कंप्रेसर, दूसरा है मल्टी स्टेज कंप्रेसर, सिंगल स्टेज कंप्रेसर और दूसरा है मल्टी स्टेज कंप्रेसर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग नंबर ऑफ द स्टेजेस है सिंगल स्टेज कंप्रेसर, दूसरा है मल्टी स्टेज कंप्रेसर। तीसरा अकॉर्डिंग टू द एक्शन, ठीक है, एक अकॉर्डिंग टू एक्शन पहला है सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, दूसरा है डबल एक्टिंग कंप्रेसर। दो टाइप से इसके अकॉर्डिंग एक्शन, सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, डबल एक्टिंग कंप्रेसर। और लास्ट चौथा है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर डेवलप, और प्रेशर कितना डेवलप होता है, मीडियम लो प्रेशर डेवलप होता है या मीडियम प्रेशर डेवलप होता है या हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो इसके टाइप्स है लो प्रेशर कंप्रेसर, मीडियम प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर कंप्रेसर। इसको बोलते हैं लो प्रेशर कंप्रेसर, मीडियम प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर कंप्रेसर, ठीक है। तो ये चार का क्लासिफिकेशन देखें, तो पहले अकॉर्डिंग टू वर्किंग कौन सा है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर। अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस कौन सा है, सिंगल स्टेज कंप्रेसर, मल्टी स्टेज कंप्रेसर। अकॉर्डिंग टू एक्शन है सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, डबल एक्टिंग कंप्रेसर। और अकॉर्डिंग टू प्रेशर डेवलप है लो प्रेशर कंप्रेसर, मीडियम प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर कंप्रेसर। बाद में देखते हैं वर्किंग ऑफ द सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है, वर्किंग ऑफ द सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर देखते हैं। अभी यहाँ पे जो है ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है सिंगल स्टेज, मतलब यहाँ पे कंप्रेशन जो होगा ये सिंगल स्टेज में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट है, ये है सक्शन, यहाँ से सक्शन, यहाँ से एयर आएगी। तो ये सक्शन वाल्व है, ये सक्शन, ये डिस्चार्ज है, यहाँ पे आउटलेट वाल्व रहेगी या डिस्चार्ज वाल्व रहेगी। ये होगा सिलेंडर, ये है सिलेंडर, ये है पिस्टन, ये पिस्टन रॉड,
यहाँ पे क्रैंक रहेगी, यहाँ पे मोटर रहेगी, ठीक है। यहाँ पे जो पावर आएगा वो लगेगा ब्रेक पावर या वर्स शाफ्ट पावर। यहाँ पे वर्क कैसा होगा कि पिच दो रहेगा, एक सक्शन और एक डिलीवरी, दो स्ट्रोक स्ट्रोक रहेगी, सक्शन और डिलीवरी। अभी क्या होता है यहाँ पे, जैसे पिस्टन, जैसे आप मोटर स्टार्ट किए तो पिस्टन क्या होगा, पिस्टन डाउनवर्ड मूव होगा। पिस्टन क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। जब पिस्टन डाउनवर्ड आता है तो पिस्टन डाउनवर्ड आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होगी और यहाँ पे क्या होगी, एयर जो है एयर सक्शन वाल सक्शन पाइप से अंदर आएगी। सक्शन यहाँ से एयर आएगी, सक्शन हो एयर सक होगी, एयर सक होगी तो पिस्टन क्या हो जाएगा, नीचे मूव होगा, नीचे मूव होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर अंदर आएगी, अंदर आएगी तो क्या हो जाएगा, ये सक्शन वाल ओपन हो जाएगा और डिलीवरी वाल्व क्लोज रहेगा, यहाँ पे एयर आएगी, पिस्टन नीचे नीचे मूव होगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, जैसे पिस्टन ऊपर मूव होगा तो इनलेट वाल्व बंद हो जाएगी, ठीक है, ये डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएंगी और ये जो एयर है ये क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस होगी, ठीक है। कॉम्प्रेस होने के बाद में कॉम्प्रेस एयर जो है ये पाइप के यहाँ के यहाँ पे पाइप के द्वारा सप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से एयर कंप्रेसर वर्क करता है। पहला स्ट्रोक अंदर सक्शन स्ट्रोक रहेगा, दूसरा डिलीवरी रहेगा। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन डाउनवर्ड मूव होगा और एयर अंदर आएगी, डिलीवरी स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन अपवर्ड मूव होगा और क्या होगा, एयर कंप्रेस होके बाहर चली जाएगी। कंप्रेस होगी पहले, फिर उसको बाहर भेजेंगे, ठीक है। इसकी वर्किंग एक बार और देख। नाउ कंस्ट्रक्शन वर्किंग, अ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, कंप्रेसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर, पिस्टन, इनलेट एंड डिस्चार्ज वाल्व एज शोन इन द फिगर। तो सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अपने सिंपल फॉर्म में डायग्राम ड्रॉ किए हैं, यहाँ के कौन कौन से पार्ट है, सिलेंडर, पिस्टन, इनलेट एंड डिस्चार्ज वाल्व एज शोन इन द फिगर। इन सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर द एंटायर कंप्रेशन इज कैरिड आउट इन अ सिंगल सिलेंडर। एंटायर जो कंप्रेशन होगा वो सिंगल सिलेंडर पे होगा, ठीक है। बाद में द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ सिंपल चेक वाल्व डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस आएगा तो इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगी। इन वर्किंग देयर आर द टू स्ट्रोक, यहाँ पे दो स्ट्रोक है, एक सक्शन स्ट्रोक है, दूसरा डिलीवरी स्ट्रोक है, ठीक है। सक्शन स्ट्रोक और डिलीवरी स्ट्रोक, ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक द पिस्टन मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू व्हिच द प्रेशर इन द सिलेंडर फॉल्स बिलो द एटमॉस्फेरिक एंड इनलेट वाल्व ओपन एंड एटमॉस्फेरिक एयर एंटर इन टू द सिलेंडर, ठीक है। बाद में इन डिलीवरी स्ट्रोक में क्या हो जाएगा, पिस्टन मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड कंप्रेसेस द एयर ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक, द बोथ वाल्व आर क्लोज। पहले वाल्व क्लोज रहेगी, आफ्टर कंप्रेशन द डिच क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज ओपन हो जाएंगी और कंप्रेस एयर बाहर चली जाएंगी, ठीक है। तो इन डिलीवरी स्ट्रोक पिस्टन मूव अपवर्ड डायरेक्शन एंड कंप्रेस द एयर ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक, बोथ द वाल्व्स आर क्लोज, आफ्टर कंप्रेशन द प्रेशर इंक्रीजेज एंड डिस्चार्ज वाल्व ओपन, डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएंगी एंड एयर डिलीवर टू द रिसीवर, रिसीवर भेजा। ये इंडिकेटर डायग्राम इस प्रकार से रहेंगे, यहाँ पे सक्शन रहेगा तो ये एयर अंदर आएगी, एयर आने के बाद में कंप्रेशन होगी, कंप्रेशन के बाद में आपसे एयर डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रोसेस 4:1 सक्शन स्ट्रोक ड्यूरिंग एयर इज ड्रॉन इन टू द सिलेंडर। बाद में 1:2 जो प्रोसेस है, यहाँ पे कंप्रेशन रहेगी, इस प्रेशर इज इंक्रीज है। बाद में 2:3 प्रोसेस जो है, यहाँ पे डिलीवरी स्ट्रोक ड्यूरिंग द डिस्चार्ज वाल्व ओपन एंड एयर डिलीवर्ड इनटू द रिसीवर। तो ठीक है, ये अबाउट इंडिकेटर डायग्राम हो गया। मल्टी स्टेज एडवांस टू मल्टी स्टेज कंप्रेशन, तो कंप्रेशन एक स्टेज में कंप्रेस किया करने के बाद मल्टी स्टेज में कंप्रेस किया तो उसके फायदे क्या है वो देखते हैं। एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन, मल्टी स्टेज कंप्रेशन के एडवांटेज देखते हैं। पहला जो एयर कैन बी कूल इन बिटवीन द टू सिलेंडर, एयर कैन बी कूल इन बिटवीन द टू सिलेंडर। सेकंड, पावर रिक्वायर्ड इज लेस, यहाँ पे पावर जो लगेगा वो कम लगेगा। मैकेनिकल बैलेंस इज गुड, मैकेनिकल बैलेंस अच्छा तरह से होगा। यहाँ पे रिड्यूस लीकेज लॉसेस, तो लीकेज लॉसेस कम हो जाएंगे और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसकी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेस की कॉस्ट कम हो जाएंगी और प्रोवाइड इफेक्टिव लुब्रिकेशन एंड वाटर पर केज ऑफ द एयर इज रिड्यूस इन मल्टी स्टेज कंप्रेसर। तो मल्टी स्टेज कंप्रेशन करने से क्या होता है, वर्क डन कम होता है, इफेक्टिव लुब्रिकेशन होती है, कॉस्ट ऑफ कंप्रेसर की कम होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ती है, लीकेज लॉस कम होते हैं, मैकेनिकल बैलेंस अच्छा होता है और पावर रिक्वायर्ड लेस होता है, ठीक है। तो ये इसके मल्टी स्टेज कंप्रेसर के ये एडवांटेजेस है।
तो ये एग्जाम में आते हैं कि राइट द एडवांटेज ऑफ द मल्टी स्टेज कंप्रेसर, तो अपने को आना चाहिए। तो क्या होता है, पहले पावर कम लगता है, साइज़ कम होती है ना, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट कम हो जाती है कंप्रेसर की, लुब्रिकेशन इफेक्टिव होती है, वर्क डन पर केजी ऑफ द एयर रिड्यूस इन मल्टी स्टेज कंप्रेसर। तो ये इसके मल्टी स्टेजिंग कंप्रेसर के एडवांटेजेस है।